अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और मेरा ये टॉपिक आप लोगों ने पहले से रीड कर लिया और ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। आप लोगों ने ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और जैसे कि ये एम्बुलेंस का टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैंने ये पर्सनली मेरा व्यू है। जैसे आप लोग रोड पे जाते हैं तो आप लोगों ने एम्बुलेंस का हॉर्न बजता हुआ देखा होगा। जैसे हॉर्न मारती है एम्बुलेंस, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आप लोगों से वे मांग रही है, या खुद जल्दी जाने के चक्कर में, या खुद किसी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के चक्कर में। उसका मतलब ये होता है कि आप लोग ये नोटिस करो कि एम्बुलेंस किसके लिए होती है। और काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है, और एम्बुलेंस के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स किए हैं कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा वे नहीं देता, और जो बंदा आगे है उसने तो आगे से हटना नहीं है किसी भी सूरत में। और ये बहुत ही गलत बात है। देखिए, अगर किसी के साथ कुछ इमरजेंसी होती है तो उसके अंदर कोई इमरजेंसी पेशेंट भी हो सकता है और कोई भी हालत हो सकती है। सो कोशिश करें कि आप लोग के आगे, अगर आप लोग आगे जा रहे हैं या आप लोग किसी रास्ते पे हैं, तो आगे से रास्ता दें उनको। और उसका हूटिंग से पता चल जाता है, क्योंकि उन्होंने हूटर ऑन रखा होता है इसके लिए कि वहाँ पे एमरजेंसी है। और एम्बुलेंस को यूएई के अंदर ऐसा बोला जाता है कि टारगेट उसके 7 मिनट के अंदर एम्बुलेंस को रिस्पॉन्स करना पड़ता है। सो यूएई में रिस्पॉन्स टाइम 7 मिनट है, और मुझे नहीं लगता कि 7 घंटे में भी पाकिस्तान के अंदर एम्बुलेंस अपने टारगेट प्लेस पर पहुँचती है, जैसा कि सिचुएशन में नज़र आ रहा है। और ट्रैफिक कितनी ज़्यादा होती है, और कोई भी बंदा आगे से रोड खाली नहीं करता। सो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, जो पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, और इंशाल्लाह आप लोग ये मैसेज ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और इससे काफ़ी लोगों को ज़्यादा जो है ये बहुत ज़्यादा वीडियो आप लोगों ने शेयर करनी है, ताकि आप बहुत सारे लोग इससे समझ सकें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कि आप लोगों ने भी ये अपनी पर्सनल लाइफ में देखा होगा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, और कुछ लोग तो अपने एटीट्यूड की वजह से किसी को वे नहीं देते कि ये मेरे से आगे क्यों निकलेगा। इवन कि इससे इंसान की इससे लाइफ थ्रेटनिंग का, और लाइफ से रिलेटेड, और ये जान को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर होता है, और इसमें कुछ एटीट्यूड या आपकी कुछ लाइफ को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। सो आप लोग किसी की जान बचाने के लिए इतनी तो कुर्बानी दे सकते हैं कि आप लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए उसको रास्ता देंगे तो वो अपने टारगेट प्लेस पे जल्द से जल्द पहुँच सकेगा। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, और आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कीप सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग माई चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।